जगह है वो है गणेश बोल जिसे कहते हैं। और सबसे पहले बता दूँ कि उदयपुर का खूबसूरत शहर के रूप में वैसे भी जाना जाता है, और इस वक्त तो वैसे भी टॉप में चल रहा है। जब हेरिटेज शादियों की बात आती है तो टॉप रैंक में चल रहा है। और इसके लिए ये कह दें कि यहाँ की जो हेरिटेज लोकेशंस हैं इसके लिए तो यहाँ हर कोई आना पसंद करता है, और इसके लिए मानसून सीज़न से बेस्ट कोई सीज़न हो नहीं सकता अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। और देखिए यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं इस खूबसूरत नगर में और बहुत सारी यहाँ की हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है वहाँ विज़िट करना चाहते हैं, तो उसी में से एक है ये सिटी पैलेस, और इसके अंदर से हम जाने वाले हैं आज जग मंदिर। जी हाँ, जग मंदिर पैलेस जो आइलैंड है और पानी के पिछोला के बीच में स्थित है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन शुरू करते हैं यात्रा। इसके लिए आपको आना होगा सबसे पहले शीतला माता गेट में। सामने से हमने एंट्री किया है और इसके दोनों तरफ इतना खूबसूरत पेड़ और सारा इतना अच्छा हेरिटेज लुक दिया हुआ है कि वाकई इसे देखकर मन यहीं से खुश हो जाता है, सारी टेंशन हम भूल जाते हैं। और देखिए अब हम यहाँ गणेश पोल पर इस वक्त खड़े हैं और अंदर लिए चलते हैं आपको धीरे धीरे। देखते जाइए, बहुत अच्छा यहाँ का सीन है, बहुत अच्छी हेरिटेज लुक है, और यहाँ आने के बाद आपको एक हिस्ट्री हिस्टोरिकल फीलिंग भी आने वाली है। आइए चलते हैं साथ साथ, सीधों यहाँ के जो सीन्स हैं, यहाँ के जो नज़ारे हैं उन्हें भी आप देखते जाइए साथ साथ। यहाँ के दरवाजे देखिए कितना अच्छा लुक दे रहे हैं। आइए चलते जाइए हमारे साथ साथ और बहुत अच्छा हम आपको लुक दिखाने वाले हैं। एक बिल्डिंग बनी हुई है और इसे भी आप देखिए। इन नज़ारों और हेरिटेज लुक का एंजॉय करते रहिए। इन सीन्स को देखना ही अपने आप में अमेजिंग होता है, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि अगर आप भी जग मंदिर पैलेस जाना चाहते हैं तो, और नहीं जा रहे हैं तो घर बैठे भी इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं किसी वीकेंड पर या आम दिनों में, तो इस तरीके से उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शीतला माता गेट से एंट्री करनी है, फिर वहाँ आपको एक एंट्री टिकट लेना है 30 रुपीज़ का पर पर्सन, और फिर उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। हमने इस बार डिनर प्लान किया है, तो हमने यहाँ से फिर फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड एंट्री पर 4000 पर कपल आपको जग मंदिर के डिनर का टिकट मिलता है, वो दोनों की तरफ से प्रोवाइडेड रहती है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और फिर आप अपनी गाड़ी के साथ अंदर एंट्री कर सकते हैं, आपको पार्किंग भी फ्री मिल जाती है। और इस तरह से आप आते जाइए, देखिए कितने खूबसूरत इनके गेट बने हुए। और यहाँ एक चीज़ देखने वाली ये है कि इनके गेट का जो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन मोस्टली इसी टाइप से लिया हुआ है, ये थोड़ा सा डार्क रेड या मरून कह सकते हैं, साथ में लाइट क्रीम कलर होता है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन ही अधिकतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये इसको अलग तरह का हेरिटेज लुक देता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और चलिए आगे चलते जाते हैं और आपको बताते रहेंगे यहाँ की खूबसूरती के बारे में। यहाँ के नज़ारे तो इस वक्त देख लीजिए, मानसून में उदयपुर जितना खूबसूरत है आप नहीं कह सकते कि कोई और जगह इतनी खूबसूरत होगी, क्योंकि यहाँ जो एक बार आता है ना वो बार बार आना चाहता है। और मानसून और उदयपुर का साथ चोली दामन जैसा है। देखते रहिए इस खूबसूरत उदयपुर के इस हिस्से को हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से हमें बोट लेनी है, और इस वक्त आपको इस जगह की, क्योंकि अभी हमारा बोट आने में थोड़ा सा वक्त है, तो हम आपके यहाँ के खूबसूरत नज़ारा को दिखाते हैं, साथ साथ आपको बताते जाते हैं कि क्या है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो वर्ल्ड फेमस लेक पैलेस है। जी हाँ, वहाँ पर रुकना, वहाँ पर जाना हर किसी का सपना है। और वाकई देखिए झीलों के बीच में, बिल्कुल झील के बीच में, पिछुला के बीच में ये जो वाइट कलर का नज़ारा अलग से नज़र आया, यही है लेक पैलेस। और इस तरह के पिछुला में और भी टापू है, एक जग मंदिर पैलेस जहाँ हम जाने वाले हैं वो जगह, उसको भी अंदर से खूबसूरत तरीके से आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप लेक पिछुला देखिए और उसके आसपास के नज़ारे देखिए, ये पानी, ये पहाड़, और पहाड़ों का जो सीन है, ग्रीनरी है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, या कहूँ पहाड़ी की श्रृंखलाएँ हैं, जो इनका जो अक्स जो है जब पानी में नज़र आता है तो और बेहतरीन लगता है। देखिए हमारे पीछे से एक बोट गुजर रही है, और जब इसलिए इसे शायद भारत का दूसरा कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही नेचुरल, ऐसे ही नेचर, ऐसी जो प्रकृति है वहाँ भी मौजूद है, और इस वक्त हमें लग रहा है कि हम नेचर की लेट में हैं। तो बस देखिए इन खूबसूरत नज़ारों को देखते जाइए, अमेजिंग है, अमेजिंग। और इस वक्त मानसून है, बादल छाए हुए हैं आसमान में, और हर नज़ारा खूबसूरत है, बस यही कह सकते हैं हम।
पीछे से देख सकते हैं यहाँ की हेरिटेज लुक वाली, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी होटल्स हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इधर सामने नज़र आ रही है लेमन ट्री होटल है, उसके पास में फतेहगढ़ है, और इस तरफ आप देखते हैं तो उदय विलास है, इधर लेक फिश पैलेस मैंने आपको दिखा ही दिया पहले, और इस तरीके से काफ़ी बड़ा खूबसूरत बन पड़ रहा है। और जग मंदिर जहाँ हम जाने वाले हैं वो देख के उधर नज़र आ रहा है, बिल्कुल पीछे अरावली की श्रृंखलाएँ हैं और वो उधर, ये पानी खूबसूरत पिछोला का लबालब है इन दिनों पूरा भरा हुआ है, और इसके भरने के बाद ही फतेह सागर में पानी आता है, ये भी आपको बता दें। और साथ ही इस तरफ देखें तो वो जो उधर मेरी उंगली की सुध में नज़र आ रहा है वो अमराई घाट है, जहाँ पे ये लोग जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से ही सारे व्यू बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद यहाँ की सारी हेरिटेज होटल्स हैं अलग अलग, जिन्हें आप देख सकते हैं आसपास ही सारा ये पिछोला के किनारे ही बसा हुआ है सारा लगभग। और हालांकि आप अगर सारे इस पिछोला की बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से प्लस दूधतलाई के एरिया से भी आपको बोट मिल जाती है, जिसका चार्जेस रहता है 850, लेकिन ये पर्सनल प्रॉपर्टी है हेरिटेज के लिए। और यहाँ से आप सिर्फ जग मंदिर पैलेस जा सकते हैं, शिव निवास पैलेस जा सकते हैं, और एक और होटल है फतेहगढ़, वहाँ के लिए आप यहाँ से बोट आपको मिलती है। और ये वाकई ये सब खूबसूरती देखनी है आपको, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी आपको नहीं चाहिए, और इन दिनों तो वाकई हमको जाना ही नहीं चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ हो, तो ऐसी जगह पर आप आइए, वाकई जीवन का अलग ही आनंद आपको मिलेगा। इंतज़ार हमारा पूरा होता है और अब हम लोग उस गेट पर हैं जहाँ से हम बोट के एंट्री के लिए जाने वाले हैं, और ये वही गेट है, हर चीज़ हेरिटेज लुक दी हुई है और बड़े खूबसूरत बनी हुई है। देखिए आइए यहाँ का जो ये जो जगह है वो भी बहुत खूबसूरत है, आइए वहाँ भी आपको लिए चलते हैं, नज़ारा लेते जाइए और देखते जाइए जब जाने वाले हैं इस टूर पर। नाउ इट्स टाइम फॉर बोट राइडिंग, और हम लोग जा रहे हैं फैमिली टूर पर हैं हम लोग, और अब देखिए आगे आगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं, आइए हमारे साथ। देखिए सिटी पैलेस एरिया से हम बैठे थे बोटिंग करते हुए, यहाँ पहुँचे हैं हम, जग मंदिर पहुँच गए हैं, ये भी एक आइलैंड है, लेक पैलेस पहले नंबर का है और जग मंदिर दूसरे नंबर का है, यहाँ पर ठहरा भी जा सकता है, यहाँ पे आपसे विजिट करने भी आ सकते हैं, यहाँ गार्डन्स हैं और रेस्टोरेंट है, इनके अलावा हम अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो सिटी पैलेस है, वाकई बेहद अद्भुत नज़ारा है इस वजह का, और ये मेरे मुँह से आप इस वीडियो में बार बार सुन रहे हैं क्योंकि वाकई ऐसी ही फीलिंग आ रही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाकई कितना मज़ेदार है ये टूर हमारा, ये फैमिली टूर है। और चलिए आगे बताते हैं, आगे यहाँ के जो गार्डन्स हैं उसकी विजिट करवाते हैं आपको, वहाँ पर शूटिंग कर लेना मेरे लिए गेट। जग मंदिर जो यहाँ का जो गार्डन है इनको विजिट करने का समय, ये जो गार्डन है इसको विजिट करने का समय बता दूँ कि शाम 7 बजे तक का ही है, तो वक्त याद रखिए जब भी यहाँ पहुँचे तो 7 बजे के पहले पहले आ जाइए ताकि आप यहाँ के गार्डन को विजिट कर सकें, अच्छे से फोटोग्राफी कर सकें, वीडियोग्राफी कर सकें। ये यहाँ का गेट है और यहाँ से गार्डन स्टार्ट होता है, चलिए गार्डन का लुत्फ लेते हैं और एंजॉय करते हैं इस टूर को।
जग मंदिर पैलेस, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती है। और इन्हीं में से एक फिल्म है जिसे आपने देखा होगा, सलमान खान और सोनम कपूर की एक फिल्म आई थी बीच में, प्रेम रतन धन पायो, और जो एक राजकुमार होते हैं और वो राजकुमारी भी एक होती है, तो उनको हेरिटेज या कहें कि बिल्कुल शाही लुक देने के लिए यहाँ पर बहुत सारी शूटिंग गई थी। और उसी में से एक प्लेस ये भी है जहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और ये प्लेस देखने वाला है सुरक्षा प्लेस, एक ये वाला प्लेस है जहाँ पर शूटिंग की गई थी। और आइए आपको दूसरा सीन भी और दिखाते हैं जहाँ पर भी शूटिंग की गई थी और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की जाती है। वो वाला आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पर ये सुभाष देव डायरेक्टेड फिल्म यादें की शूटिंग हुई थी, जिसमें करीना कपूर थी, ऋतिक रोशन और उन सबको, जैकी श्रॉफ भी थे उस फिल्म में, और उनकी शूटिंग ऋतिक श्रॉफ में हुई थी। उनका एक गाना होता है सनशिन करके, चाल है ऐसे करके, पिंक ड्रेस में एक अच्छा सा शूटिंग हुआ था, वो इसी जगह पर हुआ था। और जो झंडे बीच बीच में दिखाए जाते हैं या काफ़ी सारी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, वो कुछ इस तरीके के हैं। कि वाकई बड़ा अमेजिंग सा ये रहा है। ये यहाँ का रात का सीन है, इस वक्त 7 बजे के आसपास का टाइम है, 7:45 बज रही है इस वक्त, और दिन में भी यहाँ अलग लुक होता है, और अभी तो बारिश के बीच में और शाम का सीन है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बाहर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ अंदर से देखिए यहाँ पर बिल्कुल खंडहर का अगर एक्सपीरियंस करना है तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ पे, और क्योंकि हम रात में देख रहे हैं तो एक अच्छी सी लाइट लगी है ताकि अच्छे से हम इसे देख पाएँ, लेकिन और कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल रखा गया है यहाँ पर, और आप पुराने वक्त को यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर सकते हो अच्छे से। देख लीजिए अपने खंडहर के झरोखे से नजर आता बाहर का नजारा भी।